बेल कंपनी ने आज आपको दोस्तों 1.5 से 2 रुपए के आसपास का रिटर्न आपको दिया है यहाँ पे। मतलब बात कंफर्म है कि दोस्तों स्टॉक अब रुकने वाला है यहाँ पे नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक ने 322-330 रुपए के आसपास जाके आया है मार्केट में, और हल्की फुल्की आपको गिरावट हर एक दिन देखने को मिलती है। कल जो गिरावट थी ना, वो मेन रीज़न बजट का था। बजट भी निकल चुका है, बजट भी आ चुका है, अब बारी है दोस्तों Q1 के रिजल्ट की। अगर रिजल्ट चाहता ना तो ये स्टॉक रुकने वाला है नहीं है, आपको फिर बोल रहा हूँ, क्योंकि डिमांड बढ़ रही है स्टॉक की। हो सकता है कि आपको आने वाले टाइम में ये स्टॉक 350 टारगेट आपको अगस्त के लास्ट तक दे सकता है, क्योंकि डिमांड बढ़ रही है, इन्वेस्टर भी इसमें एक्टिव हो चुके हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि Q1 का रिजल्ट आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। अगर रिजल्ट चाहता है ना तो स्टॉक फिर से दोस्तों आपको टारगेट काफ़ी बड़ा देने वाला है। जो भी आपका इसमें इन्वेस्टमेंट है ना, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करो इस स्टॉक में, क्योंकि दोस्तों ऑलरेडी स्टॉक ने लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर को काफ़ी बड़ा रिटर्न यहाँ पे दिया है। 5 ईयर की बात करूंगा मैं, लगभग आपको 200-250 रुपये के आसपास का रिटर्न देखने को मिला है। पिछले 2 साल, 1 साल की बात करूंगा ना, तो आज से 1 साल पहले, 18 महीने पहले दोस्तों इसकी प्राइस थी लगभग 100 रुपये के आसपास की। अगर मैं जून जुलाई की बात करूंगा, 15-20 जुलाई की बात करूंगा ना, तो लगभग 100 रुपये के आसपास की स्टॉक की प्राइस थी। लगभग सिर्फ और सिर्फ 1 साल में आपको दोस्तों इस स्टॉक ने रिटर्न 200-250 रुपये का दे दिया है। मतलब काफ़ी बड़ा रिटर्न आपको दिया है इस स्टॉक ने, मतलब ये बात कन्फर्म है। एक तो गवर्नमेंट सेक्टर का स्टॉक है ये बात भी आपको नोटिस करने जैसी है।